और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आए हैं और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आज हम आपके साथ टी टाइम स्नैक्स या बच्चों के लिए स्नैक्स कह लीजिए, बच्चों के फेवरेट स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और ये भी आप बहुत ही इजीली घर में बना सकते हो। तो इसके लिए हमें चाहिए मैक्रोनी, आप इसके जगह पे पास्ता का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसे बनाने के लिए ले लिया है 1 कप मैक्रोनी, सॉल्ट और 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर और यहाँ पे हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून अरारोट। आप अरारोट की जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। और इन्हें तलने के लिए हमें चाहिए ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हमें उबलते हुए पानी में इस मैक्रोनी को डाल के इन्हें बॉईल कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, तो इसमें हमें ऐड कर देना है मैक्रोनी और थोड़ा सा ऑयल ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और इन्हें हम लगभग 8 से 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। इन्हें आप ढक भी सकते हो, बीच बीच में आप इसे चला के चेक भी कर सकते हो। आज हम मैक्रोनी के मदद से घर में बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स तैयार करेंगे, ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। आपके बच्चे इसे खाने के बाद मार्केट के चिप्स और कुरकुरे तो भूल ही जाएंगे। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप उन्हें भी ये अपने हाथों के बने हुए स्नैक्स सर्व कर सकते हो और आई होप कि उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगा ये स्नैक्स। आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप सुबह या शाम के चाय के साथ इस स्नैक्स को खा के देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और 10 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पे, तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। हमारे मैक्रोनी अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इन्हें पानी में से बाहर निकाल लेंगे। और हमने मैक्रोनी को पानी से बाहर निकाल लिया है, ये अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, इन्हें और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा ही कुक हो जाएंगे। फिर आप इन्हें जब स्नैक्स बनाओगे तो ये फटे फटे से खुले खुले से हो जाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अभी हमें इसे तलना भी है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देते हैं। तो चलिए, मैक्रोनी हमारी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अरारोट या कॉर्नफ्लोर, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, और 1 टेबल स्पून मैदा। अब इन्हें हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इन्हें हमें ड्राई करना है, इसीलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं मैदा और कॉर्नफ्लोर। तो अभी हमें इसमें 1/1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें फिर से ऐड करनी होगी। और इन्हें हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारे मैक्रोनी में दोनों भी चीज़ों के जो मिश्रण है वो अच्छे तरीके से इन पे कोटिंग चढ़ चुकी है, मैदे और अरारोट की। और अब हम इन्हें इस तरीके से चाल देंगे ताकि इनमें जो भी एक्स्ट्रा मैदा और अरारोट है वो निकल जाए। तो अब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं, इन पे बहुत ही अच्छी सी कोटिंग भी हो चुकी है। तो चलिए अब इन्हें हम तलना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमने मीडियम करके रखा है और इन्हें हल्का कलर चेंज होने तक, यानी कि सुनहरा होने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो अब इनका कलर भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे मैक्रोनी को फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सारे मैक्रोनी को फ्राई कर लिया है, यानी कि तल लिया है। और आप देख सकते हैं इनकी आवाज़ से ही कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए, अब ये हल्के हल्के गर्म हैं तभी हमें इसमें सारे मसालों को ऐड कर लेना है। तो हम ऐड कर देते हैं जीरा पाउडर, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर,
अगर आपके बच्चे बिल्कुल ही तीखा नहीं खाते तो आप रेड चिली पाउडर को स्किप भी कर सकते हो। और आप इनमें और ज़्यादा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, ओनियन पाउडर भी मिक्स कर सकते हो, काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो आप। और इन्हें अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, इसमें ऑलरेडी नमक होता है तो हमने ऊपर से नमक नहीं ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो इन्हें एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करके खा के भी देख सकते हैं, नमक कम लग रहा हो तो आप इसी टाइम इसमें मिक्स कर सकते हो। अब हम इस तरीके से इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और इन्हें मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये हमारा यूनिक सा टेस्टी सा स्नैक्स बनके बिल्कुल रेडी है। आप इन्हें डब्बे में बंद करके रख दीजिए, आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हो और इनके मज़े ले सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप इन्हें और ज़्यादा तीखा बनाने के लिए इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अब आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।